तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, बीपीटीपी अपना एक के हाई राइज प्रोजेक्ट है वो लेके आ रहा है 102 के अंदर, और इसकी लोकेशन है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लोकेशन है। और यहाँ पे अभी लास्ट 1-1.5 महीने पहले इन्होंने कुछ प्लॉट थे वो ओपन किए थे बाजार के लिए, तो 2.5 लाख रुपए गज के रेट से यहाँ पे ये प्लॉट है वो ओपन किए गए थे। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर, और ये जो नया प्रोजेक्ट है ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे जल्द ही ओपन होने वाला है। इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, कैसी लोकेशन है, किस तरह की डेवलपमेंट है, क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है, हो सकता है ये बजट में आ सकते हैं क्योंकि इसमें साइज छोटे आ रहे हैं, ये बेनिफिट इसके अंदर मिलता है। और यहाँ पहले भी ये डेवलपर काफ़ी बड़ी टाउनशिप डेवलपमेंट कर चुका है, तो हम प्रॉपर तरीके से आज की इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल से समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, और व्हाट्सअप चैनल जरूर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको नई अपडेट्स है वो आपको टाइम पे मिलते रहे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो की, जैसे हम कोई नए प्रोजेक्ट के ऊपर रिव्यू करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, बीपीटीपी अपना एक के हाई राइज प्रोजेक्ट है वो लेके आ रहा है 102 के अंदर, और इसकी लोकेशन है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लोकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं लोकेशन के बारे में। दोस्तों ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, चलता हुआ हाईवे है। ईस्ट साइड की मैं बात करूं तो ये सेक्टर 102 बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। इसके इधर की बात करूं तो ये 100 और 101 सेक्टर आते हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि यहीं से गुड़गांव में पानी है और सप्लाई होता है। बीपीटीपी ने यहाँ 140 एकड़ की जो टाउनशिप है वो लो राइज प्लस आपका प्लॉट, ये टाउनशिप यहाँ पे डेवलप की गई है। उसके बाद इन्होंने टाउनशिप ओपन की थी SPR रोड के ऊपर, वहाँ भी इनके प्लॉट और लो राइज का कंसेप्ट था, लेकिन अब ये टाउनशिप के अंदर हाई राइज का कंसेप्ट है वो बना रहे हैं। जितने भी आप लो राइज देख रहे हैं, हर बिल्ड फ्लोर ग्रीन फेसिंग मिलेगा आपको, काफ़ी अच्छा इन्होंने जो फसाड है, जो लुक है वो अच्छा बना रखा है, क्योंकि एक भी ऐसा फ्लोर नहीं है जिसकी ग्रीन फेसिंग ना हो। बिल्कुल बगल में ही ये चौक बन जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जहाँ पे इधर से गुड़गांव की तरफ से जो मेट्रो आएगी उसका जंक्शन यहाँ पे बनेगा, और ये वाला जो रोड है डायरेक्ट आप नेशनल हाईवे NH8Y बसई रोड होते हुए SPR, आप सोना रोड, आप नेशनल हाईवे NH8 को कनेक्ट कर सकते हैं। इधर जाएंगे तो नेशनल हाईवे NH8, CPR, द्वारका एक्सप्रेसवे। ये वाला जो लैंड पार्सल देख रहे हैं यहाँ पे, ये हाई राइज ला रहे हैं 12 एकड़ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हाई राइज आएगा, उसके बाद ये सारा लो राइज का है, G+3 का कंसेप्ट था उस टाइम पुराने FAR के हिसाब से। और यहाँ पे अभी लास्ट 1-1.5 महीने पहले इन्होंने कुछ प्लॉट थे वो ओपन किए थे बाजार के लिए, तो 2.5 लाख रुपए गज के रेट से यहाँ पे ये प्लॉट है वो ओपन किए गए थे। देखो जहाँ पे प्लॉट का जो कंसेप्ट है ना, वहाँ पे सिर्फ गार्डन बना के छोड़े हुए इन्होंने, उनके चारों तरफ भी जो प्लॉट है उसके ऊपर फ्लोर बनाए जा सकते हैं। उसके बाद देखो इस एरिए के अंदर भी प्लॉट आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आसपास की डेवलपमेंट की बात करूं तो हेरिटेज मिक्स्ड है, ये कॉन्शियंट का अफोर्डेबल है, सन सिटी एवेन्यू है। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल साथ में है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी जितने भी न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट देखोगे वो बिल्कुल बैंग ऑन नहीं है, थोड़े हटके हैं। जैसे कि ऐलान है वो अंदर 60 मीटर रोड पे जाता है, ठीक है, वाइट लैंड है वो थोड़ा सा अंदर जाता है, तो ये बिल्कुल बैंग ऑन आपके द्वारका एक्सप्रेसवे। ये सारे बीपीटीपी के प्लॉट हैं, 140 एकड़ की ये टाउनशिप है, ये हाई एक्सटेंशन वायर है, तो यहाँ पर इन्होंने पूरा ग्रीन बनाया हुआ है। इधर ये जॉय विले है और इसकी पोजीशन हो चुकी है, लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। ये पूरी टाउनशिप बीपीटीपी की है और उसी के एक पार्ट के ऊपर अब ये हाई राइज का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। लैंड देख लिया आपने, अब हम आसपास के प्रोजेक्ट की बात करते हैं। दूसरी एक बेनिफिट है कि इसके बगल से ये 24 मीटर रोड है, यानी एक साइड द्वारका एक्सप्रेसवे और आपका 24 मीटर रोड जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, यानी एक साइड से आप द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टेड है, दूसरा है आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, यानी 102 में जो वाटिका का लैंड है अपर के साथ भी है और द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ है, ये हेरिटेज मैक्स है। यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत फास्ट होगी, क्योंकि आप बगल में मेट्रो स्टेशन आपका आएगा, यहाँ से आप नेशनल हाईवे NH8 जाना, कहीं भी जाना, तो यू टर्न जो फैसिलिटी है वो आपके दोनों साइड बगल में, इधर यू टर्न फैसिलिटी है उधर भी है, यानी आप बिल्कुल सेंटर में हैं दोनों यू टर्न के, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। दूसरा,
आप अगर हाई राइज खरीदते हैं तो हाई राइज के अंदर जो आसपास की जो वर्टिका BPTP की जो डेवलपमेंट है वो सारी लो राइज की है, तो दूर दूर तक आपका जो व्यू है वो क्लीन होने वाला है, यानी द्वारका एक्सप्रेस से आपको दूर तक नज़र आएगा, क्योंकि यहीं पे सेंट्रल पार्क आ रहा है। सेंट्रल पार्क अच्छे खासे रेट के ऊपर लेके आएगा। आप देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा तो ये वाला पूरा एरिया पूरा खाली हो गया, लो राइज है। इधर तो ये वैसे ही खाली है, इधर तो कुछ वैसे भी डेवलपमेंट नहीं आने। तो अगर इसमें जो बनेगा ना हाई राइज का, तो वो इधर ही है हेरिटेज मैक्स, लेकिन इससे ऊपर जाएंगे टावर, उसके बीच में भी आप देख रहे हो 24 मीटर रोड है, ये भी इनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ गार्डन आ जाते हैं। तो इधर वाली यूनिट में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इस प्रोजेक्ट में हर यूनिट के पास आपके जो जो सनलाइट है वो प्रॉपर रहने वाली है, क्योंकि इसके आसपास बहुत जो एरिया है वो काफ़ी सारा एरिया आपका लो राइज का है और ओपन स्पेस है। ये यहाँ से आपके पास एक बेनिफिट मिलता है, इस 24 मीटर रोड से आप अपर द्वारका एक्सप्रेस वे जा सकते हैं, जिससे आप झज्जर जाना हो, एम्स जाना हो, बादली जाना हो, या आपको रोहतक जाना हो, भाई आपको अपर द्वारका एक्सप्रेस वे से द्वारका जाना है, दिल्ली जाना है, टोल बचाना है, ये भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। यहाँ पे मेट्रो का जो स्टेशन है वॉकिंग डिस्टेंस है, अगर आप साइबर सिटी वर्किंग है, इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइबर सिटी में वर्किंग है तो आपको गाड़ी यूज करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से डायरेक्ट आप मेट्रो पकड़ो और चले जाओ, ठीक है। और यहाँ ही से आपके दिल्ली और द्वारका के साथ मेट्रो का रूट है वो कनेक्ट किया जाना है। ये अंडर पास है, वो ऑपरेशनल हो गया है। जैसे मान लीजिए आपको इधर से आना पर द्वारका एक्सप्रेस से जाना, तो डायरेक्ट जा सकते हैं, यानी इस चौक से आपके पास मल्टी कनेक्टिविटी, यानी दिल्ली के लिए, NH8 के लिए, ओल्ड गुड़गांव के लिए, अपर द्वारका एक्सप्रेस वे। तो आप इस एरिए से किसी भी मेजर रोड को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है ना कि ये जो रोड है ये 60 मीटर का रोड, सेक्टर 10 यानी पटौदी रोड तक तो ऐसे 60 मीटर रोड बन चुका है। उससे आगे उमंग चौक बोलते हैं, उसके आगे होंडा चौक तक एलिवेटेड कॉरिडोर बना जाएगा। तो यहाँ पर आने में सिर्फ 5 से 10 मिनट का ऐसा रास्ता लगेगा, जो नेशनल हाईवे NH8 से आप यहाँ आ सकते हैं डायरेक्टली। तो यानी ओल्ड गुड़गांव के सेंटर से आप बिल्कुल बाहर वाले एरिया के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट सिर्फ इसी सेक्टर को मिलता है, यानी 102 के लोग उठा सकते हैं। फिर इसके बगल में जो 102A ये वाला जो एरिया है, ये 200-250 एकड़ का है, जो प्योर ग्रीन एरिया रहेगा, जिसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं आनी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जानी है, आसपास एजुकेशन है वो एक्टिव हो गई है, क्योंकि ये है शीतला माता का जो मेडिकल कॉलेज है वो बन रहा है, अगले साल से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद आसपास के जो प्रोजेक्ट हैं, अच्छे खासे डेवलपर के प्रोजेक्ट हैं, तो यहाँ पे जो मतलब रियास काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये नहीं देखना आपको कि भाई कोई लोग आ रहा है, अच्छा एरिया नहीं है। अब बात करते हैं थोड़े प्राइस को लेके, पास के रेट की अगर बात करें तो इधर जैसे वाइट लैंड आ रहा है, वाइट लैंड 22-23 हज़ार रुपये का रेट कोट कर रहा है। सेंट्रल पार्क ऑलरेडी इसके बगल में 21-22 हज़ार रुपये के ऊपर EY लगा चुका है। उसके बाद ऐलान आपका 106 के अंदर फेज टू आ रहा है, 26-27 हज़ार रुपये का रेट वहाँ पर कोट कर रहे हैं। तो ये मेजर जो डेवलपर हैं, अच्छे डेवलपर हैं, इनके रेट ऐसे आ रहे हैं। तो इनसे बेटर जो लोकेशन है वो BPTP के प्रोजेक्ट की है, यानी BPTP के प्रोजेक्ट के पास आसपास अच्छा एरिया है, ना कोई गांव का है कि लैंड पार्सल है, प्योर सेक्टर लैंड है, प्योर आपका ग्रीन एरिया सबसे ज़्यादा है, एजुकेशन बिल्कुल बगल में है, बगल में मेट्रो स्टेशन बनना है, आपके पास मल्टी कनेक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ पे आता है, ऑलरेडी लो राइज की टाउनशिप आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब आपके पास बेनिफिट मिलता है। और आप ये जो देख रहे हैं अभी, जैसे क्लीन एरिया नहीं, ये सारा पोल्यूशन है गुड़गांव का, तो इसलिए लोग सारे गुड़गांव से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कोई सोना जा रहा है, कोई आपके मानेसर से आगे जा रहा है, जो नए एरिया के अंदर जहाँ पे NGT टाइप का एरिया, सेक्टर 80 के साइड का एरिया है, तो लोग बाहर निकल रहे हैं। तो आप देख रहे हो वैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इस समय गुड़गांव दिल्ली के अंदर। तो ये वाला दोस्तों लैंड पार्सल है, थोड़ी प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। ऑलरेडी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, प्रीमियम लोग हैं, ये सारा एरिया आपके सामने खाली रहने वाला है, और ये चलता हुआ हाईवे आपके पास मिलेगा, दूसरा एक रोड आपको जो ओल्ड गुड़गांव के साथ है वो कनेक्ट करता है। तो सारी चीज़ें समझ ली, अब थोड़ी प्रोजेक्ट की डिटेल समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो थोड़ी प्रोजेक्ट की डिटेल जानते हैं भाई। न्यू लॉन्च आ रहा है सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव के अंदर, ठीक है। इसमें जो कंसेप्ट आएगा प्रोजेक्ट का, वो वर्टिकल गार्डन विद लोटियंस ग्रीन्स के अकॉर्डिंग, ये लग्जरी लाइफस्टाइल को डेवलप किया जाना है, यानी
जो वर्टिकल गार्डन्स क्या है कि जो आपके बैल्कनी का जो साइज है, आपके स्टेयर्स के आसपास का जो साइज है, वहाँ पे ग्रीन जैसे कि प्लांट्स, कोई ऐसे प्लांट्स आते हैं जैसे कि ग्रीन वहाँ पे डेवलपमेंट की जा सके आपकी बैल्कनी के आसपास। उसके बाद लोटियंस ग्रीन क्या, जैसे कि दिल्ली में आपने देखा होगा रोडों के साथ साथ बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ग्रीन एरिया लगा हुआ है, तो उस हिसाब से डेवलप किए जाएंगे टावर के आसपास का जो एरिया है। टोटल लैंड इस प्रोजेक्ट की 12 एकड़ है, टोटल हाइट G+45 फ्लोर्स के आसपास आएगी। क्लब हाउस 2 लाख स्क्वायर फीट का रहेगा, जिसके अंदर 3 क्लब हाउस होंगे, यानी 1 लाख का एक क्लब होगा, एक 50 हज़ार का होगा, दूसरा 50 हज़ार रुपये और 1,000 का आपका स्क्वायर फीट का होगा। तो 3 क्लब होंगे इसके अंदर, टोटल 60 टावर होंगे, यूनिट पर फ्लोर 4 होंगे, यानी एक फ्लोर पे 4 यूनिट होंगे। फेस वन अभी ये लॉन्च कर रहे हैं, फेस वन में 3 टावर आएंगे। 2 BHK आएगा 1600 स्क्वायर फीट के आसपास, 3 BHK आएगा 2400 स्क्वायर फीट के आसपास, यानी बाकी जो आपके फेस आएंगे वो बाद में आएंगे रेट रिवाइज हो के। तो अभी इसके अंदर बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 टावर ओपन कर रहे हैं, उसके बाद 4 टावर अभी बाकी हैं बाकी फेस के अंदर, जिसमें अगर हाई राइज में बात करें तो 1600 स्क्वायर फीट का 2400 स्क्वायर फीट के ये साइज थोड़े कम देखने को मिलते हैं आज के समय। अभी प्री लोन जो प्राइस है वो 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का है, और लोन जो प्राइस है वो 19,000 रुपये का है, तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं दोस्तों आप, क्योंकि 19,000 रुपये का रेट यहाँ पे लॉन्च के टाइम वो कर देंगे। पेमेंट प्लान भी अच्छा है, 20 20 20 20 20, यानी 20x5 का यहाँ पे पेमेंट प्लान है। वैसे भी आजकल जो प्रोजेक्ट हैं वो 5 साल के आसपास डिलीवर्ड होते हैं, तो यानी हर 20% आप हर साल मानो, तो यानी 5 साल के आसपास आपका जो पेमेंट प्लान है वो चला जाएगा। पहला ट्रांसफ़र फ्री होगा इसमें, अगर आज अगर आप EY देते हैं तो इसमें 2 BHK का 15 लाख रुपये का, 3 BHK का आपको 21 लाख रुपये का EY देके अपनी प्रेफरेंस है उसको जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो प्रोजेक्ट है, लोकेशन अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, तुरंत एक्शन ले सकते हैं आप, और तुरंत आप EY है वो फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी EY एप्लीकेशन है उसको फिल करवा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।